कि आप गोल्डन हट की जो जमीन है वो कब्जा है आपका उसके ऊपर, ये सत्यता है, मैं आपको सारे डॉक्यूमेंट्स दे दूंगी, यही चिल्ला रही हूं मैं कई दिन से। दूसरा, गोल्डन हट के नाम पे जो आपने बिजनेस चालू किया, अच्छी बात है, आपने किसानों को खाना खिलाया, मदद की, बहुत अच्छी बात है, पर अब आप किसानों से गोल्डन हट का कब्जा भी तो करवाना चाहते हो। अब आप गोल्डन हट के नाम पर किसानों की एनर्जी और इस आंदोलन को गुणी प्रकाश के साथ मिलकर तोड़वाना भी तो चाहते हो, क्योंकि आपकी और गुणी प्रकाश की डिस्कस होती रहती है और वो तो किसानों के खिलाफ है गुणी प्रकाश, और आप किसानों को रोटी खिला रहे हैं, तो वो डिस्क्लोज करना चाहिए कि आपका क्या रिश्ता है आखिर। तीसरी एक और बात, मेरे पास प्रूफ थे, मेरे पास प्रूफ है, मैं प्रूफ करूंगी, 100 पेज की फाइल जिसमें ये साबित होता है कि हाँ आप क्या कर रहे हो किसानों के साथ, क्या आपकी योजनाएं हैं इस करोड़ों करोड़ों रुपए की फंडिंग को लेके, किसान से जुड़े हैं, भावनाओं से जुड़े हैं, मेरे गुरु के जितने भी सिख हैं, आपको थोड़ा सा समझना होगा, थोड़ा सा ज़्यादा जोर देना होगा कि आखिर क्या आप 50 लाख का आटा खा सकते हो, क्या आप 1 करोड़ का दूध पी सकते हो महीने में, क्या आप डेली 5-4 लाख का पानी खर्च हो रहा है, नहीं हो रहा है। गोल्डन हट के खाने से पहले, गोल्डन हट के ढाबे से पहले गुरु के लंगर लगातार चल रहे थे। क्या कार सेवा वाले लोग लुप्त हो गए हैं, क्या गुरुद्वारे और गुरुद्वारों से चली हुई सेवाएं आंदोलन में गोल्डन हट के बाद खत्म हो गई हैं, क्या बाकी गांव से जो भिवाणी के इतने सारे गांव से, जींद से, कैथल से, लोगों के घरों से कणक, आटा, दूध, सेवाएं गई, क्या वो कहां गई फिर, जो गांव-गांव से हजार-हजार, 100-100 रुपए परिवारों से गए वो कहां गए, अगर सारा पैसा राम सिंह ने लगाया इस आंदोलन पे, 10-10 करोड़ की मदद 1-1 अमेरिका से आई, तो वो पैसा कहां है फिर। किसान नेता जल्दी आकर इस पब्लिक को जवाब दें कि अगर सारी फंडिंग, सारा पैसा, सारा खर्च राम सिंह राणा कर रहा है, तो बाकी लाखों लोग का गाजीपुर बॉर्डर पे, अपना सिंघू बॉर्डर पे, टीकरी बॉर्डर पे, ये लोग क्या कर रहे हैं, मेरा सवाल है। रही बात, भाई साहब मेरी कोई व्यक्तिगत ना तो दुश्मनी है और ना दोस्ती है, राम भूल सिर्फ मेरे गांव के 2 किलोमीटर पास का व्यक्ति है, आज तक वो देवाजी धाम नहीं आया, आज तक मेरा उसका 5 रुपए का लेना देना नहीं है, और मेरी इसके अलावा 3 बार होटल पे मुलाकात हुई, वो भी रोड पे जाते आते, 1 बार मैं अननोन थी चली गई, 2 बार उसने मेरा लाइव देखा तो मुझे बुलाया भी, हाँ मेरा फेसबुक पे लाइव डाल दो, मैं किसानों के लिए ये कार्य कर रहा हूँ। बहुत अच्छी बात है आप कार्य कर रहे हैं, पर आप लूटने का काम ना करें। पल पल की अपडेट के लिए हरियाणा 36 लाइव चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं।